चाहेगा वही बनेगा। जहाँ बहुत ज्यादा प्यार की अधिकता होती है वहां पर कुछ भी हम अपने आराध्य से प्रियतम से हट के ना करना चाहते हैं ना बनना चाहते हैं। और गुरु की पसंदगी है कि उसके अपने भक्त में किसी भी प्रकार की कोई कमी शेष ना रहे, ये उसकी चाहत है और भक्त की भी चाहत होती है। तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में अन्य किसी का कोई स्थान ना रहे, क्योंकि तुम उसे प्यार करो वो न तुम्हें प्यार करे, बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है। कौन कहता है दीदार नहीं होता है या खुद ही तलबदार नहीं होता है। जिस दिन से सत्संग में आए गुरु जी का अट्रैक्शन था, प्रेम था, किसी को भी अपने प्रेम से उन्होंने छिटकने दिया। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था इनकी पसंदगी क्या है, ये क्या पसंद करते और कैसे साथ में रहते रहते साथ एक दूसरे के भावों को जानने लग जाता है। और उसके अनुरूप जब ज्ञान मन को मिलता है और मन को जब वो ज्ञान पसंद आता है, रास आता है, तब भक्त को भी लगता है मुझे रास आ गया है तेरे दर के सर झुकाना। ये अरस परस बात है, ये दूरी जबरदस्ती की बात नहीं। दुर्योधन अर्जुन दोनों ही भगवान कृष्ण की शरण में गए, भगवान ने दोनों के सामने खुला रखा है ऑफर, एक तरफ मैं रहूंगा एक तरफ मेरी अस्माइली सेना रहेगी। अब जो एक कार्य व्यक्ति होता है वो बड़ा एक्सप्रेसिव होता है, वो इंतजार नहीं करता। तुरंत दुर्योधन ने कहा युद्ध के मैदान में सैनिक की आवश्यकता है, शस्त्र की आवश्यकता है, योद्धाओं की आवश्यकता है। कृष्ण से मदद नहीं मांग रहे आया है, पर कृष्ण के प्रति वो भाव नहीं। जाकी रही भावना जैसी जब बोला देखी जैसी और जैसी भावना वैसी प्राप्ति। मामले से अर्जुन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था शेष, पर अर्जुन अंदर ही अंदर भगवान को चाह रहा था, प्रभु केवल तो मेरे हम तुम्हारे से प्रभु जी, हम तुम्हारे और तुम हमारे से तुम हमारे रहो। और हम सब के सामने ये मिसाल है, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आती और तूफान। दुर्योधन के पक्ष में नाते रिश्तेदार गुरु गोसाई पितामह अक्ष वाली सेना शस्त्र सब है, अर्जुन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी आखिर समर्पित भक्त की रक्षा करना भगवान का नियम। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान गले डर जाए पर भक्त का मानना डरते देखा। आज कैसे साव दाव दंड भेद ये चारों नीतियां युक्त महाभारत के युद्ध में भगवान ने अपनाई। समय देखिए, गुरु द्रोणाचार्य की बहुत अधिक ममता अपने पुत्र में थी अश्वत्थामा को, और वो ऐसे जा नहीं सकते थे, उनको भी मारने की शक्ति भी नहीं रखता था गुरु। कैसे भगवान ने भेद जाना, इनको कैसे मारा जा सकता है। अश्वत्थामा एक हाथी मरा और युधिष्ठिर से कहलवा दिया कहो अश्वत्थामा हतो नरो वा। युधिष्ठिर कहना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो सत्यवादी है धर्मात्मा, जिसका विवेक जागृत होगा उससे झूठ कहलवाना उससे गलत करवाना बड़ा कठिन काम, पर जिसका विवेक बंद है उसको गलत करते गलत सोचते देरी नहीं करते। भगवान के कहने को उन्होंने कहा तो, पर
निकाले। रस्ते क्या है ईश्वर, तो मेरे लिए एक कौड़ी खर्च करके दे, कुबेर के खजाने ना खोल तू तो। आज हम सबके जीवन को देखते हैं ज्ञान के सदके, सब कैसे राजाओं महाराजाओं वाली जीवन जी रहे, थोड़ा सा परिश्रम किया, थोड़ा सा खर्च हुआ, जो भी अपने जीवन में निकलने के लिए सब कुछ आ जाते थे। संतों की सेवा करते सुखदे बेशुमार, जो तेरा हो जाए वो इसका है। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। हर जगह वो बसाई रहता है, अपने भक्तों पे नजर रखता है। जहाँ हमारी बुद्धि, जहाँ हमारी आंखें, जहाँ हमारे हाथ, जहाँ हमारा पैसा, जहाँ हमारी सोच फीके पड़ जाते हैं, वहाँ वहाँ मौत के भगवान क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। हमें पता भी नहीं रस पिया है, हमें पता भी नहीं यहाँ गड्ढा था, यहाँ सांप था, कैसे भगवान बचा लेता है, क्यों? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला उससे भी कर देता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ईश्वर रक्षा करता है। तो मेरे लिए कुछ सुन के तो दे, अशब्द किसी की मेरा वचन, मैं सबको तेरी कीमत ना बता दूं, सबको तुझे ना सुनवा दूं, क्योंकि मेरे लिए 2-4 कदम चल के तो दे, 1000 कदम भगवान चल के आ जाते। ईश्वर प्रतिज्ञा बद और अर्जुन की कैसे भगवान ने रक्षा करी, हर तरह वहीं पर उधर के पक्ष में कम शूरवीर नहीं थे, बहुत थे, बच्चों के सब अस्वार्थ बुद्धि वाले थे, तो 100 होते हुए भी अनेक होते हुए भी वो सब के सब चूंकि अधर्म के रास्ते पे थे, सब विनाश को प्राप्त। इसके लिए जीवन में कभी भी सत्य का धर्म का रास्ता ना छूटे। राजा ने महल से देवियों को जाते देखा, एक से ही तेजस्वी पूछा, देवी आप कौन? मैं धन की देवी, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारी बहन, तुम्हारे महल चलिए, मैं यश की देवी, मैं कीर्ति की देवी। राजा ने जाते अंत में देखा एक बहुत तेजस्वी पुरुष जब निकल के जाने लगे, राजा ने पूछा महाराज आप कौन? पुरुष ने बोला मैं सत्य हूँ, मैं धर्म हूँ। जिस राजा के पास धन नहीं, जिसका यशपान नहीं, जिसकी कीर्ति नहीं, जिसके पास ऐश्वर्य वैभव नहीं, वहां एक अकेला मैं रह के क्या करूं? राजा चरणों में गिर गया, पकड़ लिए चरण कि प्रभु एक आंख को रखने के लिए तो मैंने इतना त्याग किया, अब अगर आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे होगा, मैं नहीं जाने बोलता। जब चरण पकड़ लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, जैसे ही वो सत्य महल के अंदर में प्रवेश करने लगा, प्रवेश किया, सारी देवियां भी कैसे हुए महल में वापस आ गई। जिस राजा का धर्म जीवित है, ईमान जीवित है, जिस राजा के पास सत्य जीवित है, वही को हम सबका भी सम्मान है। बहुत सुंदर बोलते हैं।